सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। दोस्तों मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं या आपके घर में या आपका कोई दोस्त यूज कर रहा है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये एक अटैक से रिलेटेड है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि वाईफाई में एक मतलब कह सकते हैं कि सिक्योरिटी होल पाया गया है और इस अटैक के कारण जो है पूरे जितने भी वर्ल्ड का वाईफाई नेटवर्क है वो अटैक के घेरे में आ गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, इस पहले मैं अटैक का नाम बता देता हूँ। इस अटैक का नाम है क्रैक। क्रैक का फुल फॉर्म है की री इंस्टॉलेशन अटैक। ये अलग टाइप का अटैक है। अभी तक कि जितना भी अटैक होता था तो उसमें ये भी चांस रहता था कि पासवर्ड गेसिंग का रहता था। मतलब सपोज डैट कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं किसको, वाईफाई के थ्रू, आपके घर में लगा हुआ वाईफाई राउटर। अब आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था उसमें कहीं ना कहीं गेसिंग का भी था और इसके बाद और जितने मेथड था अटैक करने का करता था, लेकिन ये जो है अभी तक का सबसे अलग टाइप का अटैक है। अब इसमें कैसे कैसे कर सकता है, कौन कौन इसके दायरे में आता है वो बता देता हूँ। इसमें सारे लगभग कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एप्पल का हो या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सब इसके अटैक के घेरे में है। और दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जितने भी वाईफाई वाला राउटर है, चाहे आपका जो है बिना टोन का हो या इसके बाद क्या कहते हैं डी लिंक का राउटर हो, नेट गियर का हो, बहुत सारे राउटर है जो इससे इन्फेक्टेड है। अब ये कैसे हुआ है वो देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसको इंजेक्ट किया गया। जी नहीं, ये जो सिक्योरिटी होल है, जो ये लूप होल कह सकते हैं, ये है, ये एक्चुअल में ना ही किसी राउटर में है बल्कि ये सिस्टम में है, मतलब ये स्टैंडर्ड में है। आप जो पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं वो पासवर्ड WPA रहता है, WPA2। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें कमजोरी है, इस कमजोरी का फायदा उठा करके अटैकर जो है इस पे अटैक कर रहा है। सपोज डैट कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक वाईफाई नेटवर्क है और आपके रेंज में अटैकर आता है और इस सिस्टम का मतलब कि क्रैक सिस्टम का, क्रैक मतलब की रीइंस्टॉलेशन अटैक, इस मेथड का अगर यूज करता है तो आपके सिस्टम में अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप जो क्या ईमेल मतलब सेंड कर रहे हैं, पासवर्ड क्या स्टोर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से समझिए कि सारा का सारा डेटा उसके पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ पे इसको जो है बचने के लिए जो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपका जो राउटर है उसका फर्मवेयर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अपना अपडेट करने जा रहा हूँ। और साथ साथ अगर आप जो है ब्रॉडबैंड सिस्टम यूज कर रहे हैं और आपके घर के ऊपर एंटीना टाइप का जो रिसीवर लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप जो है इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, उसको बताइए कि इस टाइप का अटैक हुआ है और अगर पॉसिबल है तो उसको मतलब अपडेट करवा लीजिए ताकि आपका जो ये रिस्क के अंदर ना आएगा। विंडोज ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि इस टाइप का सिक्योरिटी जो होल है वो फिक्स कर चुका है। और दोस्तों ये जो है मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये किसी एक पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम के कारण या किसी पार्टिकुलर राउटर में नहीं हुआ है, बल्कि ये सिक्योरिटी सिस्टम में ही होल है, मतलब एक एक सिस्टम में ही होल है। जब सिस्टम में होल है तो अभी तक तो इसी सिस्टम पे जितने भी पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम था इसी बेस था, WPA का सिक्योरिटी सिस्टम एल्गोरिथम यूज करता था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो जो वाईफाई वाले हैं WPA सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हुए हैं तो उनका पासवर्ड कभी भी क्रैक हो सकता है अगर अटैकर इस मेथड का यूज करे। कौन सा मेथड, फिर से रिमाइंड कर दूं, की रीइंस्टॉलेशन अटैक। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का अटैक हुआ है और इसको कैसे बचा जा सकता है। बचने का मैं उपाय बता दिया कि सबसे पहली बात कि आप जो है अपने राउटर का जो भी फर्मवेयर है फर्मवेयर को अपडेट कर लीजिए। दूसरा क्या करना है कि आपके पास जो भी लैन का ड्राइवर हो उसको अपडेट कर लीजिए, वाईफाई का जो ड्राइवर हो आपके कंप्यूटर में उसको अपडेट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि अगर जब तक इसको अपडेट नहीं करते हैं प्लीज़ वाईफाई का यूज ना करें, वाईफाई के बदले जो है लैन का यूज करें, डायरेक्ट जो है आप अपने जो लैपटॉप में है उसको कनेक्ट कर लीजिए, इसके बाद यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है नीचे लाइक बटन लाइक जरूर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी जो है उसका पार्ट है उससे रिलेटेड रेगुलरली मैं वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।